दोस्तों सफर को आगे जारी रखते हुए हम भागलपुर से पूर्णिया और पूर्णिया से किशनगंज इस्लामपुर होते हुए सिलीगुड़ी जाएंगे और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे। बट जैसे ही हम सिलीगुड़ी पहुंचे तो हमें पता चला कि यहीं पर बगल में बांग्लादेश बॉर्डर है जो कि फुलबाड़ी बोल के एक जगह है, वहां पर है। तो हमने वहां जाने का निश्चय किया और फुलबाड़ी पे बंधो बंगला बोल के बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे हमने विजिट किया। तो चलते हैं बंधो बंगला बॉर्डर की तरफ और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बॉर्डर पे क्या है। किशनगंज से सिलीगुड़ी की दूरी 102 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी से फुलबाड़ी बॉर्डर होते हुए ढाका की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो 470 या 80 किलोमीटर है। चलते चलते रास्ते में हमारे मोटरसाइकिल का गार्ड जो होता है, गार्ड का एक नट गिर गया, तो वहीं पर लोकल मैकेनिक ने उसे लगाया। के बाद हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई जो कि बराबर बॉर्डर पे ही, तो वहीं पर हमें एक टायर की दुकान दिख गई जिससे हमारा काम आसान हो गया वरना बहुत परेशानी होती। ये रोड जो जा रहा है ये फुलबाड़ी बॉर्डर बोले तो बंधो बंगला बॉर्डर की तरफ जा रहा है। देखिए दोनों तरफ ट्रक ऐसे लगे हुए हैं कि यहाँ पर ट्रकों का मेला लगा हुआ है। काफ़ी जगह पर चेक पोस्ट वगैरह है जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान चेकिंग वगैरह भी करते हैं। दोस्तों बंधो बंगला ये जो डेस्टिनेशन है ये हमने अपने इसमें नहीं रखा था, बट यहाँ आने के बाद मन हो गया और टाइम भी था हमारे पास, शाम के कुछ 5 वगैरह बज रहे थे, तो हमने बोला चलिए लगे हाथ इस बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जाकर आ जाते हैं और देखते हैं वहाँ का कैसा क्या सिस्टम है। क्योंकि हमने अटारी बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर वहाँ किया हुआ था पंजाब से, तो इस बार बोले कि चलिए इस बार इसको भी कर ही लेते हैं। बंधो बंगला बॉर्डर पर जब हम पहुंचे तो कुछ 500 मीटर पहले ही हमें रुका दिया गया और हमारी गाड़ी को साइड में पार्किंग करके बगल में ही जो मिलिट्री का ऑफिस वगैरह होता है उसमें हमें अपने आधार कार्ड और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट कराया गया और उसके बाद हमें आगे बॉर्डर पर जाने की अनुमति दी गई। चलते हैं धीरे धीरे चलकर वहां पर जाएंगे और बॉर्डर के पास पहुंचकर वहां के नज़ारों को आपको भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों सामने ही बॉर्डर नज़र आ रहा है, बट वहां चलकर जाना पड़ेगा और शाम के टाइम हो चुका है तो अब शायद झंडे जो है हमारे जो फहराए जाते हैं वो डेली, जैसे वहां पर पंजाब में अटारी बॉर्डर पर जैसे उतारा जाता है वैसे यहाँ भी उसे शायद उतारेंगे, वो तो आगे चलने पे पता चलेगा। बट यहाँ उतनी गर्दी नहीं होती है, फिर भी ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये दो स्टैंड बने हुए लोगों को बैठने के लिए। यहाँ से ढाका की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में विजिटर यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए बॉर्डर पर। यहीं पर झंडा वगैरह जो हमारा होता है वो नीचे उतारा जाता है शाम के वक्त। देखिए वो कार्यक्रम चल रहा है।
हमारे देश के जवान हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखो कितने आराम से उतार रहे हैं। झंडा उतारने के बाद हमारे जवानों ने कितने अच्छे तरीके से इसको असेंबल किया और कितने अच्छे तरीके से इसको रखा है, ये आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो थैंक्स हमारे देश के जवानों को। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो जो कि दार्जिलिंग का आने वाला है उसकी खूबसूरत वादियों को देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सफल हो गया ऑन टाइम।